हेलो बच्चों, आज हम स्थानीय स्वशासन के भाग दो पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय या नगर प्रशासन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था से। बच्चों, जैसे कि हमने भाग एक में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो तीन स्तरों पे कार्य करती है। ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था और जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा हम भाग एक में कर चुके हैं, तो भाग दो में हम शुरुआत करेंगे प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था से। बच्चों, प्रखंड स्तर पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर माना जाता है। प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं और ये सदस्य विकास कार्यक्रमों के लिए ग्राम एवं जिला के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। बच्चों, कड़ी का मतलब यहाँ पे माध्यम से होता है, अर्थात प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गांव और जिला के बीच में जो विकास होनी चाहिए उन दोनों के बीच में माध्यम बनता है। दोस्तों, पूरे प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं और ये चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, अर्थात 5 वर्ष के बाद ही अगली चुनाव होगी। बच्चों, सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख विकास पदाधिकारी, जिसे हम वीडियो के नाम से जानते हैं, उनके साथ मिलके ये विकास कार्यक्रम के लिए कार्य करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे। बच्चों, जिला स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था होता है वो पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर माना जाता है। राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी होती है। बच्चों, जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जिला परिषद के सदस्य में हमारे आते हैं जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचनों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया गया हो। अगला सदस्य होता है जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, अर्थात जिला में जितने भी पंचायत समिति होंगे उनका जो प्रमुख होगा वो इसका सदस्य होगा। अगला सदस्य होता है लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अर्थात चुनित एक विशिष्ट व्यक्ति भी इसका सदस्य होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे नगर निकाय या नगर प्रशासन पे। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नगर निकाय या नगर प्रशासन किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो उसे नगर प्रशासन कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नगर अर्थात शहर, अर्थात शहर से जुड़ी हुई सभी विकास की देखरेख ये प्रशासन ही करती है। बच्चों,
इस पाठ में हम दो प्रमुख नगर विकास के बारे में जानेंगे। अगर हम बोले तो नगर निकाय को इस पाठ में दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला नगर निगम और दूसरा नगर पालिका। बच्चों, इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सुनियोजित विकास हो रही है या नहीं उसकी देखरेख करने की होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम शुरू करेंगे नगर निगम से। बच्चों, झारखंड में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होता है जहां की आबादी 1.5 लाख या इससे अधिक हो। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो बच्चों, नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी मेयर, उपमेयर तथा मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं। बच्चों, मेयर या वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाती है। बच्चों, नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। क्या आपको पता है कि आरक्षण नीति क्या होती है? बच्चों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे समाज को जाति के आधार पे चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जनरल, दूसरा एसटी, तीसरा एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट और चौथा ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट। तो बच्चों, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार एसटी, एससी और ओबीसी के लिए हर जगह कुछ सीट फिक्स होती हैं, अर्थात आरक्षित होती हैं। तो नगर निगम के चुनाव में भी इन लोगों के लिए कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा नगर निगम पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे नगर निकाय के प्रमुख कार्यों पे। आखिर नगर निकाय के क्या कार्य हैं? तो उनके प्रमुख कार्यों में सबसे पहला काम आता है कि नगर को मच्छर, कीड़े आदि के प्रकोप से बचाना और उनके रोकथाम के लिए टाइम टू टाइम या समय अंतराल पे छिड़काव करवाना। उनका दूसरा कार्य है नगर में शुद्ध एवं प्राप्त पेयजल की अर्थात पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना। अगला कार्य है सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, जिसको आप स्ट्रीट लाइट के नाम से जानते हैं। इनका अगला कार्य है मकान नंबरों का निर्धारण करना। आपने देखा होगा कि नगर निगम से कुछ कर्मचारी आपके घर पे आते हैं और कुछ नंबर लिखकर जाते हैं। यह उनका एक कार्य है, अर्थात मकानों को नंबरों से निर्धारित करना। हर मकान का अपना एक नंबर होता है। उनका अगला कार्य है सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, अस्पतालों का रख रखाव और सफाई की व्यवस्था करना। और उनका सबसे मुख्य कार्य होता है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना तथा प्रमाण पत्र जारी करना। जैसे कि जब कोई जन्म लेता है तो उसका प्रमाण पत्र बनता है, जिसको आप बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका भी प्रमाण पत्र बनता है, जिसे आप मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे झारखंड में नगर निगम कितने हैं। तो बच्चों, झारखंड में नगर निगम है कुल 5। पहला है
धनबाद नगर निगम, जमशेदपुर नगर निगम, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या रांची नगर निगम, देवघर नगर निगम और हजारीबाग नगर निगम। बच्चों, क्या आपके मन में सवाल आता है कि नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं, वो क्या हैं? अर्थात उनके पास इतने सारे विकास के कार्य करने के लिए कहां से पैसे आते हैं? तो उनके आय के मुख्य स्रोत हैं संपत्ति कर, जल कर, भूमि और घर बंदोबस्ती से प्राप्त कर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे नगर पालिका पे। बच्चों, नगर पालिका के गठन का मेन जो उद्देश्य होता है वह यह है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना। बच्चों, नगर पालिका में नगर पंचायत और नगर परिषद होते हैं। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्रायः छोटी शहरी क्षेत्रों में होता है जहां की आबादी 40,000 से अधिक एवं 1.5 लाख से कम होती है। बच्चों, नगर परिषद को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में 1 लाख से अधिक और 1.5 लाख से कम आबादी वाले नगर आते हैं, जबकि वर्ग बी में 40,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले नगर आते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं और जहाँ की आबादी 12,000 से अधिक और 40,000 से कम होती है, वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम नगर निकाय के प्रमुख कार्यों पे चर्चा करेंगे। तो इनका सबसे पहला कार्य है स्वास्थ्य की सुविधा, अर्थात नगरों में स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधा उपलब्ध करवाना, जैसे अच्छी हॉस्पिटल का विकास करना जहां पे 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हो तथा शिक्षित डॉक्टर भी उपलब्ध हो और वहां पे या उसके आसपास मेडिकल स्टोर हो या दवाई खाना हो जिसमें लगभग सभी दवाइयां मिलती हो। नगर निकाय के दूसरा मुख्य कार्य है सफाई संबंधी कार्य, अर्थात नगर हमारा साफ सुथरा हो इस चीज को सुनिश्चित करना। इसके लिए वो टाइम टू टाइम या प्रतिदिन नगरों में सफाई की व्यवस्था करवाएं, जगह जगह पे कूड़ेदान रखाएं ताकि लोग उसमें घर का कूड़ा डाल सके। इसके अलावा निश्चित समय अंतराल पे नालियों और ड्रेनेज पाइपों की सफाई करवाते रहें। इसके अलावा वो ये भी सुनिश्चित करें कि गार्बेज अर्थात कचरा लेने वाली गाड़ी प्रतिदिन हर गली मोहल्ले में जाए और वहां से लोगों के घरों का कचरा इकट्ठा करे। इसके अलावा नगर निकाय हर समय अंतराल पे या एक निश्चित समय अंतराल पे नगरों में कीटनाशक अर्थात मच्छर और मक्खियों की मरने वाली दवाइयों का छिड़काव करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम नगर निकाय के प्रमुख कार्यों की चर्चा को जारी रखते हुए अब उनके एक प्रमुख कार्य यातायात की सुविधा पे चर्चा करेंगे। बच्चों, नगर निकाय या नगर निगम का ये कार्य होता है कि वो नगर में एक सिटी बस चलवाए जिसके द्वारा नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से ट्रेवल कर सके या यातायात कर सके। उनका ये भी फर्ज बनता है कि वो रोड के किनारे शौचालय का व्यवस्था करवाएं।
इसके अलावा नगर निकाय सड़क के किनारे या सड़क के बीचों बीच पार्क की व्यवस्था करे और वृक्षारोपण करे ताकि नगर जो है हरा भरा रहे। इसके अलावा नगर निकाय नगर में इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की उचित व्यवस्था करे और स्ट्रीट लाइट भी लगवाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम नगर निकाय के प्रमुख कार्यों पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे उनके सबसे प्रमुख कार्य शिक्षा संबंधी कार्य अर्थात नगर निगम का ये मुख्य कार्य होता है कि वो नगर में अच्छे स्कूलों की स्थापना करवाए तथा समय अंतराल पे उन स्कूलों की जांच करते रहे कि उन स्कूलों में पढ़ाई कैसी चल रही है तथा शिक्षा का लेवल क्या है और शिक्षक की गुणवत्ता क्या है। इन चीजों पे वो हमेशा नियंत्रण रखे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके मुख्य कार्य सुरक्षा संबंधी कार्यों पे चर्चा करते हैं। नगर निकाय को हमेशा ही आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी घर में या किसी दुकान में आग लगने की स्थिति में उन्हें तुरंत आग बुझाने वाली मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि शहर में ट्रैफिक रूल अच्छे से फॉलो हो रहा है अर्थात लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं और हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें नगर की सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड अर्थात रात्रि में जो गार्ड पहरा देते हैं उनको भी नियुक्त करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय या नगर प्रशासन पे चर्चा की और इसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।